हेलो बेटे, आई होप ऑल ऑफ यू आर वेल एंड ऑल्सो योर स्टडी इज गोइंग वेरी वेल। लास्ट टाइम जो हमने किया था वो किसके बारे में पढ़ा था? कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के बारे में। ठीक है, वर्क डन देखा था बाय अ कॉन्स्टेंट फोर्स, बाय अ वेरिएबल फोर्स। ठीक है, और तीसरा क्या पढ़ा था? कंजर्वेटिव फोर्स। चौथा पढ़ा था नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, कंजर्वेटिव फोर्स के प्रॉपर्टीज क्या क्या है? कंजर्वेटिव फोर्स की प्रॉपर्टीज थी कि उसके द्वारा किया गया काम सिर्फ और सिर्फ किस पर डिपेंड करता है? इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पर। ठीक है, ये बिल्कुल भी जो भी पाथ ऑब्जेक्ट ने ट्रेवल किया है उस पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, सेकंड थिंग क्या थी हमारे पास? जो कोई भी राउंड ट्रिप है उसके अराउंड अगर कोई काम हो रहा है तो वो क्या कहलाएगा हमारे पास? उसमें कंजर्वेटिव फोर्स के लिए, राउंड ट्रिप के लिए जो फोर्स होगा, जो काम होगा उसके लिए वो क्या होगा हमारे पास? जीरो होगा। ठीक है, राउंड ट्रिप के लिए। नेक्स्ट जो टॉपिक हमारे पास आता है दैट इज पावर। ठीक है, पावर। अब देखो, आप लोगों ने देखा होगा कि एक इंसान है, आपने दो इंसानों को बोला है कि आपको 100 सीढ़ियां चढ़ना है। ठीक है, एक इंसान तो क्या है कि पांच सेकंड में तो कहां से चढ़ेगा, 5 मिनट में वो सीढ़ियां चढ़ गया, दूसरा 10 मिनट में वो सीढ़ियां चढ़ पा रहा है। तो आप क्या कहोगे भाई, क्या बोलोगे कि इसमें पावर ज्यादा है, शक्ति ज्यादा है इसमें। ठीक है, पावर ज्यादा है भाई, इसकी पावर ज्यादा है, इसीलिए जल्दी जल्दी काम को कर पा रहा है। ठीक है, जल्दी जल्दी काम को कर पा रहा है, इसकी पावर ज्यादा है। तो आपने पावर इंसान की किस तरह से बताई? तो किस तरह से बताई? उसने जिस रेट पर काम को किया वहां से आपने क्या बता दी? पावर बता दी। ठीक है, तो पावर की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? पावर मे बी डिफाइंड एज द रेट एट विच वर्क इज डन। पावर को आप क्या बोल सकते हो? रेट एट विच वर्क इज डन। मैथमेटिकली कैसे लिख दोगे? पावर इक्वल्स टू वर्क अपॉन में टाइम। ये हो जाएगा रेट, हो गया कि भाई किस रेट पर कोई भी ऑब्जेक्ट काम कर रहा है। ये आपके पास क्या हो गया है? पावर हो गया है। ठीक है, अगर आप इसके यूनिट्स निकालना चाहें या फिर यहां से इसके लिए एक और फॉर्मूला निकालना चाहें तो वर्क को आप क्या लिखते हैं? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन में ये क्या हो गया? टाइम। अब फोर्स तो एज इट इज, अब जो आपके पास टाइम है, आपके पास जो टाइम है और डिस्प्लेसमेंट है उसके बीच में आपके पास कोई ना कोई रिलेशन है। ठीक है, तो ये जो होता है वर्क अपॉन में टाइम, ये क्या होती है? एवरेज पावर। ठीक है, पूरी एवरेज पावर कि किसी भी इंसान ने किसी टाइम इंटरवल में कुछ काम किया है उसके हिसाब से पूरी उसकी पावर की एवरेज। ठीक है, अब अगर आपको इंस्टेंटेनियस एवरेज निकालनी है किसी भी पॉइंट पर, तो पहले तो यहां से देखो, एस इंटू में एस डिवाइड बाई टी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होती है? वेलोसिटी होती है। ठीक है, तो ये दूसरा फॉर्मूला आ गया आपके पास पावर के लिए। अब अगर आपको किसी भी इंस्टेंट पर देखनी है पावर एट एनी इंस्टेंट, किसी भी इंस्टेंट पर अगर आपको पावर देखनी है तो वो क्या आ जाएगी? पी इक्वल्स टू डी डब्ल्यू बाई डीटी। उस इंस्टेंट पर किस हिसाब से उसका काम चेंज हो रहा है, ठीक है, किस हिसाब से वो काम कर रहा है, तो डी एफ इंटू एस डिवाइडेड बाय टी। एफ इज कांस्टेंट, फोर्स लगने वाला फोर्स कांस्टेंट है भाई, तो एफ तो आ जाएगा बाहर, इंटू में डी एस बाय डी टी। ठीक है, तो ये यहां से क्या आ जाएगा हमारे पास? पावर एफ इंटू में डी वी। ठीक है, उस टाइम इंटरवल के लिए लगने वाला फोर्स और वहां पर चेंज होने वाली वेलोसिटी, और ये वेलोसिटी में चेंज नहीं आएगा भाई, वेलोसिटी आएगी। ठीक है, वेलोसिटी एफ इंटू में वी। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपके पास? डी एफ डॉट वी। ठीक है, ये यहां से हटा देना, इसको डायरेक्ट यहां से मत लिखना, ये पावर एट एनी इंस्टेंट करके ये यहां पर लिख लेना। ओके, ये आपके पास क्या थी? दिस इज द एवरेज पावर, दिस इज द एवरेज पावर। ये क्या है आपके पास? एवरेज पावर है फॉर अ पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम। कोई भी आपके पास टाइम इंटरवल है उसके लिए ये क्या है आपके पास?
पावर है। ठीक है, अब देखो भाई, किसी भी इंस्टेंट के लिए हमें पावर निकालनी थी, हमने क्या किया, यहाँ पर रख दिया। और ये क्रॉस प्रोडक्ट नहीं आता है, गलती नहीं होनी चाहिए, डॉट प्रोडक्ट होता है। ठीक है, जब डॉट प्रोडक्ट है दोनों के बीच में, तो यहाँ पर फोर्स और वेलोसिटी का भी क्या आएगा, डॉट प्रोडक्ट आएगा। ठीक है, तो पावर की एक और आप जनरल डेफिनेशन दे सकते हो, पावर में भी डिफाइंड एज, पावर में भी डिफाइंड एज द डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। फोर्स और वेलोसिटी का क्या हो जाएगा, आपके पास डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा। दूसरा देखो, ये दोनों वेक्टर क्वांटिटीज हैं, ठीक है, और पावर, आप ये पावर के लिए कोई भी एक डेफिनेट डायरेक्शन निश्चित नहीं कर सकते कि ये उसकी डायरेक्शन है, तो पावर आपके पास क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। दूसरा यहां से देखो, वर्क भी स्केलर, टाइम भी स्केलर, तो पावर क्या हो जाएगी आपके पास, स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, नेक्स्ट बात आती है हमारे पास यूनिट्स ऑफ पावर, यूनिट्स ऑफ पावर। तो यूनिट्स देखो भाई, पावर की क्या होगी यहां पर, जूल और सेकंड। ठीक है, क्या यूनिट हो जाएगी आपके पास पावर की, जूल पर सेकंड। ये कौन सी यूनिट हो गई, एसआई यूनिट ऑफ पावर। अगर सीजियस यूनिट आपको देखनी है तो इसमें सीजियस क्या होती है, वर्क की अर्ग अपॉन में सेकंड, तो ये क्या हो गई, अर्ग पर सेकंड। ठीक है, एसआई यूनिट क्या हो गई, जूल पर सेकंड, सीजियस यूनिट क्या हो गई, अर्ग पर सेकंड। और इसको आप क्या कहते हैं, वाट। ठीक है, क्या कहते हैं, वाट। यहां पर लिख लो, एसआई यूनिट ऑफ पावर इज वाट, एसआई यूनिट ऑफ पावर इज वाट, एंड वन वाट, एंड वन वाट इज इक्वल टू वन जूल पर सेकेंड। ठीक है, अब आपको वाट की डेफिनेशन भी लिखनी होगी, तो जब डेफिनेशन आप लिखना चाहते हैं वाट की, तो लिखो भाई, पावर इज सेड टू बी वन वाट, पावर इज सेड टू बी वन वाट इफ वन जूल ऑफ वर्क इज डन इन वन सेकेंड। ठीक है, वन जूल ऑफ वर्क इज डन इन वन सेकेंड, एक जूल काम किया जाए अगर एक सेकेंड में, तो उस टाइम पे ऑब्जेक्ट की जो पावर होगी वो क्या कहलाएगी, वन वाट। हाँ भाई, देखो यहां पर है ना वाट, ये जो है ना, इसको छोटा लिखना बेटा, ये न्यूटन वाले में बताया था कि अगर आपको न्यूटन लिखना है, यूनिट लिखना है, तो आप ऐसे लिखोगे, और साइंटिस्ट का नाम लिखना है तो कैपिटल एन। ठीक है, और सिंबॉलिकली लिख रहे हो तो सिर्फ कैपिटल एन, सेम वाट की केस में है। ठीक है, अगर आपको कंप्लीट लिखना है तो ऐसे लिखो, और अगर सिर्फ सिंबल लिखना है तो कैपिटल डब्ल्यू। ओके, तो ये यहां से गड़बड़ नहीं करनी है, ये कहीं तुम सोचो कि कैपिटल है। ठीक है, पावर इज सेड टू बी वन वाट इफ वन जूल ऑफ वर्क इज डन इन वन सेकेंड। आपको रटने की तो कहीं पर भी कोई जरूरत नहीं है, होता क्या है सिर्फ, ये वन वाट कब होगा, ये वन कब होगा, जब ये भी वन हो और ये भी वन हो। और अगर किसी ऑब्जेक्ट ने एक जूल काम किया है एक सेकेंड में, तो उसकी पावर कितनी होगी, वन वाट होगी। ठीक है, अगर आप अर्ग की डेफिनेशन लिखना सॉरी यहीं से इसकी कुछ हाईर यूनिट्स भी हो सकती हैं, जैसे कि आपके पास यहां पर लिख लेना हाईर यूनिट ऑफ पावर, हाईर यूनिट्स ऑफ पावर। हाईर यूनिट्स ऑफ पावर क्या है, वन किलोवाट किसके बराबर होता है, 10^3 वाट। वन मेगावाट किसके बराबर होता है, 10^6 वाट। ठीक है, और जो जनरल कॉमन यूनिट होती है पावर की, जनरल अनदर जनरल यूनिट ऑफ पावर इज हॉर्स पावर। ठीक है, सुना भी होगा आप लोगों ने बहुत बार, हॉर्स पावर, और ये किसके बराबर होती है, वन हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वॉट। ठीक है, रेज योर हैंड्स, किस किस ने सुना है, अपने आप को शाबाश दे, फिर वो एक बच्चा। तो वन हॉर्स पावर किसके बराबर होता है, 746 वाट के बराबर होता है। नेक्स्ट आता है डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ पावर। तो क्या होगा भाई डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वर्क अपॉन में डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ टाइम। तो डायमेंशनल फॉर्मूला लिखो,
डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ पावर। तो क्या हो जाएगा भाई, पावर का डायमेंशनल फॉर्मूला, वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला। वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला इनटू में डिस्प्लेसमेंट, एम एल टू टी माइनस टू अपॉन में टाइम। तो क्या आ जाएगा आपके पास, ये पावर का एम एल टू टी माइनस थ्री। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ पावर। ठीक है, ये आपके पास क्या हो गया, पावर का डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया। अभी हमने क्या पढ़ा है, अभी हमने एक रिलेशन पढ़ा है किसमें, फोर्स में और वेलोसिटी में, पावर का। वो क्या था, पी इक्वल्स टू डॉट प्रोडक्ट ऑफ एफ एंड बी। तो इफ थीटा इक्वल्स टू जीरो हेयर, थीटा इक्वल्स टू जीरो हेयर, दैट इज फोर्स इज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, फोर्स इज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। तो आपके पास ये जो प्रोडक्ट है ये क्या हो जाएगा, पी बराबर एफ इंटू में वी, एंड एट दैट टाइम पावर विल बी मैक्सिमम। ठीक है, बिकॉज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कोस थीटा इज कोस जीरो पर होती है मैक्सिमम वैल्यू, और वो कितनी होती है, वन। नेक्स्ट टॉपिक आपके पास आता है एनर्जी। अब पावर पढ़ लिया, नेक्स्ट आपके पास एनर्जी। ठीक है, अब 100 सीढ़ियां चढ़नी थी, 100 सीढ़ियां कम टाइम में चढ़ा उसका तो ज्यादा पावर, और 100 सीढ़ियां कम ज्यादा टाइम में चढ़ा उसकी कम पावर। ठीक है, तो टाइम के साथ इनवर्स रिलेशन है किसका, पावर का। अब नेक्स्ट है हमारे पास जो टॉपिक है वो क्या है, एनर्जी। ठीक है, एनर्जी क्या होती है, इट इज द एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क। ये क्या होती है, एबिलिटी होती है किसी भी बॉडी की काम को करने की। ठीक है, इट इज द एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क। अब एक इंसान था वो तो 100 की 100 सीढ़ियां चढ़ गया, एक था वो 50 ही चढ़ पाया, आगे चढ़ ही नहीं पाया। तो एक ज्यादा एबल है किसी भी काम को करने के लिए, दूसरा कम एबल है। तो हम क्या कहेंगे भाई, इसकी एनर्जी खत्म हो गई है। ठीक है, ये तो एबल ही नहीं है इस काम को करने की। ठीक है, तो वो क्या हो गया, वहां से एक की एनर्जी ज्यादा है दूसरे की एनर्जी कम है। ठीक है, तो जिसकी ये एबिलिटी है, एक ज्यादा एबल है उस काम को करने के, दूसरा एबल नहीं है, तो यहां से हमें एनर्जी और वर्क के बीच में रिलेशन मिल गया। इफ अ बॉडी कैन डू मोर वर्क, अगर कोई बॉडी ज्यादा काम कर सकती है, इफ अ बॉडी कैन डू मोर वर्क देन इट इज सैड टू हैव मोर पावर, इट इज सैड टू हैव मोर पावर, उसके पास क्या होगी, ज्यादा पावर होगी, एंड वाइस वर्सा। ठीक है, वाइस वर्सा मतलब इसका अपोजिट भी बिल्कुल सही होगा, कि अगर बॉडी कम काम करती है तो उसके पास कम पावर होगी। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास। अब एनर्जी को कौन मीजर कर रहा है, वर्क मीजर कर रहा है। ठीक है, एनर्जी को कौन मीजर कर रहा है, वर्क मीजर कर रहा है, देट हाउ मच वर्क कैन अ बॉडी डू। तो जो यूनिट्स हो गई, यूनिट्स एंड डायमेंशंस ऑफ पावर, यूनिट्स एंड डायमेंशंस ऑफ एनर्जी, ऑफ एनर्जी आर सेम एज दैट ऑफ वर्क, एज दैट ऑफ वर्क। तो यूनिट्स तो क्या क्या हो जाएंगी, यूनिट्स हो जाएंगे आपके पास जूल और अर्क, और डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपके पास एनर्जी का, एम एल टू टी माइनस टू। ठीक है, ये आपके पास डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया, यही वर्क का भी था, ये यूनिट्स यही वर्क की भी थी। अब देखो भाई, आपको ये समझना जरूरी है कि जो पावर और एनर्जी है वो दोनों चीजें अलग अलग हैं। अलग अलग कैसे हैं, पावर क्या बताता है कि किस हिसाब से काम कर सकता है इंसान, किस स्पीड के साथ काम कर सकता है इंसान, ये तो बताती है पावर, और कितना काम कर सकती है, कितनी कैपेबल है बॉडी काम को करने के, ये कौन बताता है आपके पास, एनर्जी बताती है। ठीक है, तो ये आपके पास एनर्जी हो गई। आप पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एनर्जी। तो टाइप्स ऑफ एनर्जी में सबसे पहले हम कर लेते हैं काइनेटिक एनर्जी के बारे में। ठीक है, तो आप लोगों ने बहुत बार पढ़ा होगा दैट काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी सुना होगा, है ना।
पिछले उसमें भी हमने पढ़ा था जब लास्ट टॉपिक किया डायनामिक्स ऑफ नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, उसमें भी हमने किया था। तो यहां पर देखो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, एंड जनरली वी रिप्रेजेंट इट बाय के ई, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? द एनर्जी पोजेस्ड बाय बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन, वो एनर्जी जो बॉडी को मिले उसके मोशन की वजह से, उसको आप क्या कहेंगे? काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो कोई भी बॉडी है अगर वो मूव कर रही है तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी ही होगी, ठीक है। एग्जाम्पल विंडमिल्स वर्क्स ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। जो विंडमिल्स होती हैं वो किस बेसिस पर काम करती हैं? काइनेटिक एनर्जी के बेसिस पर ही काम करती हैं। जो वाटर मिल्स होती हैं जहां पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है वो भी किस बेसिस पर काम करती हैं? काइनेटिक एनर्जी के ही बेसिस पर काम करती हैं। उसमें जो काइनेटिक एनर्जी होती है उसका यूज करते हैं हम किसको? जनरेटर, जो रोटेटर होता है उसको, टर्बाइन को रोटेट करने के लिए। और फिर वो क्या करता है? काइनेटिक एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो जाती है? मैकेनिकल एनर्जी में, ठीक है। एज यू हैव स्टडीड द लॉ दैट एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ओनली इट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। काइनेटिक एनर्जी से आपने पोटेंशियल में चेंज कर दिया, मैकेनिकल में चेंज कर दिया, इस तरह ये सारी चीजें काम करती हैं, ठीक है। एक बुलेट है, एक बुलेट निकली है रिवॉल्वर से, वो किसी भी चीज को क्या कर सकती है? पार कर सकती है, किसी भी चीज को पायर्स कर सकती है, उसके अंदर घुस सकती है। किस बेसिस पर? क्योंकि बुलेट के पास क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी। अब जब वो उसके अंदर घुसेगी तो वो अपनी एनर्जी का यूज करेगी, एबल है या नहीं है? एक बुलेट को आपने हाथ से ही फेंक दिया, वो क्या किसी चीज के अंदर घुस जाएगी? दीवार के अंदर नहीं घुस सकती। दूसरी बुलेट को आपने क्या किया? फायर किया है गन से, वो दीवार के अंदर जा सकती है, ठीक है। तो ये किस पर डिपेंड किया? जब उसकी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी थी, बुलेट से जब आपने उसको फायर किया तब उसकी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी थी तो वो ज्यादा काम कर पाई, ठीक है। जब आपने उसको हाथ से ही फेंक दिया तो उसकी कम काइनेटिक एनर्जी है, वो काम नहीं कर पाई। अब है डेरिवेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो हम कैसे डिराइव कर सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं काइनेटिक एनर्जी को? तो हम काइनेटिक एनर्जी को कैसे निकाल सकते हैं? दो तरीके से हम डिराइव कर सकते हैं। तो भाई कैसे निकालेंगे काइनेटिक एनर्जी को? हम देखो फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी। सो लिखो काइनेटिक एनर्जी कैन बी ऑब्टेन्ड बाय, फर्स्ट तो हम एक तो क्या कर सकते हैं? गिविंग द प्रेजेंट वेलोसिटी टू एनी ऑब्जेक्ट विच इज एट रेस्ट। एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो कि किस पर है? रेस्ट पर है, और उसको आपने वेलोसिटी दे दी, वो वेलोसिटी जिसके साथ वो प्रेजेंटली मूव कर रहा है, वो वेलोसिटी दे दी, तो वो ऑब्जेक्ट क्या कहलाएगा? उस ऑब्जेक्ट के पास काइनेटिक एनर्जी आ गई। तो एक तो हम ये कर सकते हैं, दूसरा अमाउंट ऑफ वर्क डन इन स्टॉपिंग अ मूविंग ऑब्जेक्ट। एक कोई भी आपके पास ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है, उसको स्टॉप करने के लिए जो आपको वर्क डन करना पड़ा, ये यहां पर भी बेटा वर्क डन आएगा, वर्क डन, ठीक है। अमाउंट ऑफ वर्क डन इन गिविंग द प्रेजेंट वेलोसिटी टू एनी ऑब्जेक्ट विच इज एट रेस्ट। तो आप दो तरीके से काइनेटिक एनर्जी को फाइंड आउट कर सकते हैं। पहला तो आप क्या कर सकते हैं, अमाउंट ऑफ वर्क डन निकाल दो। किस लिए वर्क डन निकाल सकते हो? कि कोई भी ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है, उसको स्टॉप करने के लिए जो आपको वर्क चेक करना पड़ेगा वो आपका क्या हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी। दूसरा क्या हो जाएगा भाई आपके पास? कोई भी आपके पास ऑब्जेक्ट है और वो ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, आप उसको एक स्पीड दे दो, वी स्पीड तक पहुंचा दो, तो वो आपके पास क्या कहलाएगा? वो जो वर्क डन होगा वो आपके पास क्या कहलाएगा?
काइनेटिक एनर्जी कहलाएगा। ठीक है, तो देखो भाई हम है ना कौन सा केस लेते हैं, हम लेंगे अपना सेकंड वाला केस। ठीक है, फर्स्ट ही ले लेते हैं, चलो फर्स्ट ले लो। ओके, सेकंड से फिर तुम खुद करके देखना, फर्स्ट मैं यहां पर करवा रही हूं। तो फर्स्ट केस क्या था हमारे पास, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन गिविंग अ प्रेजेंट वेलोसिटी टू एनी ऑब्जेक्ट विच इज एट रेस्ट। तो हमारे पास क्या है, लेट अस कंसिडर वी हैव एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m। ठीक है, हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास क्या है, m मास है। ठीक है, इनिशियली एट रेस्ट। ठीक है, इनिशियली किस पर है, रेस्ट पर है, दैट मीन्स u इक्वल्स टू जीरो, u बराबर जीरो हो गया है आपके पास। लेट ए फोर्स एफ इज अप्लाइड ऑन इट टू मूव टू अ डिस्प्लेसमेंट एस। उस पर कितना फोर्स लगाया गया है, एफ फोर्स लगाया गया है, और वो उसके बाद एफ फोर्स लगाने के बाद उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई है, उसने कितना डिस्प्लेसमेंट ले लिया है, एस, एंड अक्वायर अ वेलोसिटी वी। और क्या वेलोसिटी को अक्वायर कर सकता है वो, उसके बाद वी वेलोसिटी को अक्वायर कर सकता है। ठीक है, तो यहां पर था पहले इनिशियली हमारा ऑब्जेक्ट, इट वॉज एट रेस्ट, यहां पर पहुंच गया, ये जो डिस्टेंस है ये क्या है, एस डिस्टेंस है, यू इक्वल्स टू जीरो था यहां पर, और यहां पर क्या हो गई है, वेलोसिटी वी हो गई है। अब जब फोर्स लगा है तो एक्सेलरेशन भी होगा, तो हम एक्सेलरेशन निकाल लें, बिकॉज वी हैव टू कैलकुलेट फोर्स, फोर्स के साथ साथ ही हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि हमें वर्क डन चाहिए। ठीक है, वर्क डन चाहिए, वी हैव टू कैलकुलेट वर्क डन, काइनेटिक एनर्जी के लिए हमें वर्क डन चाहिए, मोशन की वजह से जो काइनेटिक एनर्जी होगी उसका जो वर्क डन होगा वो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। ठीक है, तो यहां से वो क्या आएगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, एस तो हम यही रख देंगे, चलो कोई बात नहीं, बट फोर्स का क्या करें, तो फोर्स का क्या रिलेशन होता है, एम इंटू ए डॉट एस। अब यहां पर हमें ए चाहिए, तो ए हमारे पास वेलोसिटी है, डिस्प्लेसमेंट है, ए निकालना है यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। जो तीसरी इक्वेशन थी मोशन की, अगर हम वो यूज करें तो क्या हो जाएगा आपके पास, क्या थी वो इक्वेशन, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर टू ए एस, ये इक्वेशन थी, यू कितना है जीरो, दिस एम्प्लाइज वी स्क्वायर बराबर टू ए एस, एंड दिस एम्प्लाइज ए बराबर वी स्क्वायर अपॉन में टू एस। ठीक है, तो ए की वैल्यू क्या होगी आपके पास, वी स्क्वायर अपॉन टू एस। अब यहां से यहां पर वैल्यू पुट कर दो, पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट, फर्स्ट में कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, वी गेट डब्ल्यू बराबर एम इंटू वी स्क्वायर अपॉन टू एस इंटू में एस, ठीक है, डॉट एस, एस से एस कैंसिल, तो क्या आ गया, एम वी स्क्वायर बाय टू। ओके, और ये जो होता है ना, ये होता है ऐसे एम वी डॉट वी अपॉन में टू, मतलब ये भी स्केलर क्वांटिटी हो गई, वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है, तो एनर्जी भी क्या हो गई आपके पास, एक स्केलर क्वांटिटी हो गई। और यहां से क्या हो जाएगा, यहां पर लिख देती हूँ, नीचे क्या पता दिखाई ना दे तुम्हें, तो इधर लिख लेना, एंड दिस वर्क इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी, और यही वर्क क्या कहलाएगा, काइनेटिक एनर्जी। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी के लिए, हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, तो एक मेथड से तो मैंने निकाल दिया, ये मैंने कौन सा यूज किया कि ऑब्जेक्ट रेस्ट पर था और उसको किस पर लेकर जाना है, वी वेलोसिटी देनी है। आपको दूसरा यूज करना है कि ऑब्जेक्ट इनिशियली वी वेलोसिटी पर था, इनिशियली आपको उसको किस में लाना है, रेस्ट में लाना है। ठीक है, तो वहां पर क्या आएगा, एक्सीलरेशन नेगेटिव आएगा,
क्यों आएगा? क्योंकि देखो ऑब्जेक्ट इनिशियली वेलोसिटी के साथ चल रहा था, फोर्स आपने लगाया, नेगेटिव फोर्स लगा, नेगेटिव फोर्स से वो ऑब्जेक्ट किस में आ गया? एट रेस्ट, जीरो उसकी वेलोसिटी हो गई। एक मिनट रुकना भाई, ये कैसे निकल गया? तो जो आपने काम इसके लिए किया, ये काम किसकी फॉर्म में स्टोर हो गया? काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो गया, ठीक है। अल्टरनेटिव एक और मेथड भी है, जो कौन सा मेथड है? कैलकुलस मेथड, ठीक है। उसमें हम किससे निकालते हैं काइनेटिक एनर्जी को? इंटीग्रेशन की हेल्प से निकालते हैं, ठीक है। तो एक और अल्टरनेटिव मेथड है, सी दैट ऑल्सो, अल्टरनेटिव मेथड, ठीक है। अल्टरनेटिव मेथड देखो, तो हम कैलकुलस मेथड में हम क्या करते हैं? पहले क्या निकालते हैं? स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन क्या आ जाएगा बेटा? इन मूविंग आर, इन मूविंग ऑब्जेक्ट थ्रू स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए ऑब्जेक्ट को मूव करवाने के लिए जो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन होगा वो क्या हो जाएगा? डी डब्ल्यू बराबर एफ डॉट डी एस। अब डी डब्ल्यू एफ की जगह आप क्या रख सकते हैं? मास इंटू एक्सेलरेशन डी एस, मास, एक्सेलरेशन की जगह क्या लिख सकते हैं आप? एक्सेलरेशन की जगह डी वी बाई डी टी डॉट डी एस। तो अब यहां पर क्या आ जाएगा? ये डी टी है, इसको मैं डी एस के नीचे ली तो कुछ फर्क थोड़ी ना पड़ना है, बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैंने ये चेंज कर दिया यहां पर, एम डी एस बाई डी टी इंटू में डी वी। ये डी एस बाई डी टी किसके बराबर होता है? वेलोसिटी, एम वी डी वी। तो ये आपके पास क्या आ गया? स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन। अब टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन, टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन गिविंग अ वेलोसिटी यू, गिविंग अ वेलोसिटी यू टू द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को यू वेलोसिटी देने के लिए जो टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन होगा वो कितना हो जाएगा? डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन, इधर क्या आ जाएगा आपके पास? एम वी डी वी, जीरो टू वी। वेलोसिटी कहां से कहां पहुंच गई? जीरो से वी। एम कॉन्स्टेंट है, एम आ जाएगा बाहर, वी डी वी। अब वी है, सिंगल पावर है, रिलेशन क्या होगा? पावर में एक ऐड करो और उससे डिवाइड, और लिमिट्स पुट कर दो। लिमिट्स पुट करेंगे तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, डब्ल्यू किसके बराबर आ जाएगा? एम वी स्क्वायर बाय टू, एंड दिस इज योर काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो दोनों रिलेशन से, दोनों मेथड से सेम ही आया है। ये आपके पास कैलकुलस मेथड है और वो आपके पास सिंपल मेथड था। अब आपको जिस तरह से करना हो दोनों मेथड में से वो कर सकते हो, ओके। नेक्स्ट आता है आपके पास रिलेशन बिटवीन लीनियर मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है भाई, रिलेशन बिटवीन लीनियर मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी, रिलेशन बिटवीन लीनियर मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी। वी नो दैट, हमें पता है फॉर एन ऑब्जेक्ट हैविंग मास एम एंड वेलोसिटी वी, वेलोसिटी वी, पी किसके बराबर होता है? एम इंटू में वी, एंड काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय टू। होता है या नहीं होता है? बिल्कुल होता है। अगर मैं ऊपर नीचे एम से मल्टीप्लाई कर दूं, इसमें एम से मैंने ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे भी मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, तो ये बनेगा एम से एम कैंसिल हो जाएगा तो वही आएगा एम वी स्क्वायर बाय टू। तो यहां पर देखो एम स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन में टू एम, यहां पर ये क्या बन गया? एम बी का स्क्वायर अपॉन में टू एम, और एम वी की जगह क्या लिख दूं?
पी स्क्वायर बाय टू एम। तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है बेटा आपके पास, पी स्क्वायर बाय टू एम। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी इज पी स्क्वायर बाय टू एम। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। ओके, आपको ये ऐसे भी लिखा हो मिल सकता है, काइनेटिक एनर्जी ये के ई ना लिखा होकर ओनली ई लिखा मिले। ठीक है, ऐसे भी मिल सकता है, ई बराबर पी स्क्वायर बाय टू एम। तो उस टाइम पे आपको समझ जाना है ये कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी। न्यूमेरिकल्स में बहुत हेल्पफुल रहता है। 2me, p स्क्वायर किसके बराबर होगा, 2me के। यहां से दिस इंप्लाइज p किसके बराबर हो जाएगा, अंडर द रूट 2me। ठीक है, तो ये आपके पास रिलेशन आ गया। अब हम ग्राफ देख लेते हैं। ठीक है, तो देखो फर्स्ट व्हेन m इज कांस्टेंट, जब m कांस्टेंट होगा। अब जब m कांस्टेंट है तो देखो e p डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल है, p डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अंडर द रूट e के। ठीक है, p डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल है, अंडर द रूट e के प्रोपोर्शनल है। तो हम बनाएंगे p और e में ग्राफ। ठीक है, p और e में ग्राफ बना देते हैं। तो ये p, ये k लिख लो इसको, अगर तुम कंफ्यूज हो जाओ तो यहां पर इसको k लिख लो। ये भी के, काइनेटिक एनर्जी के, तुम्हें याद रह जाएगा, बाद में तो आदत हो जाएगी। ठीक है, तो पी किसके प्रोपोर्शनल है, के प्रोपोर्शनल है। तो जब देखो भाई हमारे पास ये होता है वाई स्क्वायर बराबर फोर ए एक्स। जब वाई स्क्वायर बराबर फोर ए एक्स होता है तो पैराबोला बनता है, किसके अराउंड बनता है, एक्स एक्सिस के अराउंड बनेगा ना, एक्स की एक वैल्यू के लिए वाई की दो वैल्यू, एक्स की एक वैल्यू के लिए वाई की दो वैल्यू आएंगी इस पर। वाई इक्वल्स टू प्लस माइनस एक्स। तो ये वाला पैराबोला कैसे बनता है, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, तो ये पैराबोला ऐसा बनेगा ना। तो ये ऐसे कर लो तुम, के प्रोपोर्शनल टू रूट एम, रूट पी, ये तो नहीं आएगा, P आएगा, P प्रोपोर्शनल टू रूट के, P प्रोपोर्शनल टू रूट के। तो यहां पर अगर P रखा है, यहां पर K रखा है, तो पैराबोला तो बनेगा, लेकिन हाफ में पैराबोला बनेगा, कंप्लीट पैराबोला नहीं बनेगा, क्योंकि यहां पर सिर्फ प्लस का है। तो आपका जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा बताओ भी, ग्राफ कैसा बनना चाहिए आपका, के एक्सिस के अराउंड, जैसे इसमें एक्स एक्सिस के अराउंड बना है ना, वैसे इसमें किसके अराउंड बनेगा, के एक्सिस के अराउंड पैराबोला। तो इस टाइप से आपका ग्राफ बनेगा। ठीक है, देखो वाई स्क्वायर बराबर फोर एक्स होता है, वाई स्क्वायर अगर प्रोपोर्शनल हो किसके, प्लस रूट एक्स के, तो ये ऐसा ग्राफ बनता है आपके पास। वो एक्स एक्सिस के अराउंड क्या होता है, कर्ल होता है। ठीक है, अगर मैं इसको कंप्लीट करती तो ये इधर पैराबोला बनता, लेकिन p के साथ माइनस की वैल्यूज नहीं है, तो ये सिर्फ इतना ही ग्राफ बनेगा। ठीक है, तो ग्राफ जब हमने ग्राफ पढ़े थे तो बहुत अच्छे से देखे थे कि ग्राफ किस तरह से बनाने हैं। ठीक है, तो पहला एक ग्राफ हो गया, दूसरा ग्राफ देखो, अगर p कांस्टेंट है, इफ p इज कांस्टेंट, सेकंड क्या है आपके पास, इफ p इज कांस्टेंट, अगर P कांस्टेंट है तो काइनेटिक एनर्जी किसके प्रोपोर्शनल होगी, काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल होगी 1 बाय रूट एम के। ठीक है, यहां से देखो P कांस्टेंट, काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल हो गई 1 बाय रूट एम के। अब हम ग्राफ बनाना चाहते हैं काइनेटिक एनर्जी और मास के बीच में। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी और मास के बीच में, तो ये आपकी बार 1 बाय रूट एम है, 1 बाय रूट एम, तो ग्राफ भी क्या हो जाना चाहिए, इनवर्स हो जाना चाहिए। ठीक है, इनवर्स में हो जाना चाहिए, तो ग्राफ कैसा आएगा, इस टाइप से ग्राफ आएगा। नेक्स्ट, इफ इफ एम इज कांस्टेंट, नहीं, इफ के इज कांस्टेंट लो नेक्स्ट, इफ के इज कांस्टेंट, अगर आपके पास के कांस्टेंट हो तो पी किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, P हो जाएगा रूट एम के प्रोपोर्शनल, P रूट एम के प्रोपोर्शनल। तो आप P और M में ग्राफ बनाओ,
अब जब आप पी और एम में ग्राफ बनाएंगे, एम को इधर ले लो, पी को इधर, तो ऐसा ग्राफ बनेगा, ठीक है। या फिर अगर आप वैसे एक्सिस लेते हो जैसे हम इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट लेते हैं, तो उस टाइम पे कैसा बनेगा ग्राफ आपके पास, इधर पी इधर एम, तो फिर ये ग्राफ ऐसा बनेगा। तो यही बनाना भाई, क्योंकि इंडिपेंडेंट को आप नीचे एक्स एक्सिस के पास ही लेते हो, ये ज्यादा सुटेबल ग्राफ है, तो आपके पास ये वाला ग्राफ बनेगा, पैराबोला ये, ठीक है, पैराबोला। और ये है इनवर्स में, ठीक है, हाइपरबोला की फॉर्म में आ जाता है, ये इनवर्स में होता है, ठीक है। तो ये हो गए आपके पास ग्राफ, रिलेशन हो गया लीनियर मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी में। नेक्स्ट हम करेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम, आज के लिए शायद सफिशियंट है, नेक्स्ट करेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम।